नागपुर मेट्रो के तहत सवारियों की संख्या में लगातार वृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है और 15 अगस्त को मेट्रो के सवारियों की संख्या 85,000 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। ये यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए महामेट्रो के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसके पहले 26 जून 2022 को मेट्रो अपने उच्चतम 65,000 सवारियों की संख्या पर पहुंच गई थी। अभूतपूर्व दूरी पर पहुंच चुकी महामेट्रो ने 15 अगस्त को सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये दूरी नागपुर की जनता के सहयोग से पूरी हुई है। इसके पीछे कई दिनों से मेट्रो कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत है। नागपुर के लोगों को सबसे अच्छी सेवा मिले और इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए महामेट्रो ने लगातार कई उपाय किए हैं। महामेट्रो स्टेशन को लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत फीडर सेवाएं प्रदान करती है। इसके तहत यात्रियों को साइकिल, ई साइकिल, ई स्कूटर, ई रिक्शा जैसे विकल्प दिए जाते हैं। इन सुविधाओं से न केवल सभी यात्रियों बल्कि मिहान क्षेत्र में काम करने वाले और हिंगना क्षेत्र के शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ हुआ। महामेट्रो ने हमेशा यात्रियों की मांग को गंभीरता से लिया है, इसलिए यात्रियों की जरूरत के हिसाब से महामेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया। फिलहाल मेट्रो की ऑरेंज और एक्वा दोनों लाइनों पर सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है। खासकर रविवार जैसे अवकाश के दिनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मेट्रो ट्रेनों के समय में भी उसी के अनुसार बदलाव किया गया। डिजिटल भुगतान के लिए समय की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मदद से महामेट्रो ने अपने यात्रियों को महाकार्ड उपलब्ध कराया है। महाकार्ड की सुविधा से यात्रियों के लिए मेट्रो से यात्रा करना आसान हो गया है। इस कार्ड के साथ ही महामेट्रो ने यात्रियों को मोबाइल ऐप की सुविधा भी प्रदान की। इसने मेट्रो से यात्रा करना भी आसान कर दिया, क्योंकि महाकार्ड और मोबाइल ऐप ने टिकट के लिए कतारों में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और इस तरह मेट्रो से यात्रा करना अधिक आरामदायक हो गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए महामेट्रो ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, फ्रीडम फाइटर मेट्रो राइड, हर घर तिरंगा विश वॉल कैंपेन, मेट्रो स्टेशन पर बैंड परफॉर्मेंस, देशभक्ति गीतों का आयोजन, सेल्फी पॉइंट शामिल था। नागपुर के नागरिकों को यात्रा की उचित सुविधा मिले, इसके लिए महामेट्रो लगातार प्रयास कर रही है। यात्रियों की संख्या के मामले में आज मेट्रो एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गई है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।